हेलो। हाँ जी, प्रणाम विधायक जी। प्रणाम, क्या कहूँ जी, जी ठीक है, फोन क्या लगा रहे हाल हैं। है। जी ठीक है सर, सब ठीक ठाक। अभी तो हड़ताल चल रहा है हम लोग का, हड़ताल क्यों लगा दी थी नहीं। और हम यहाँ का जिला अध्यक्ष हैं, औरंगाबाद जिला का शिक्षक संघ का, तो थोड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी हमको ज़्यादा है। आप ही को तो सब बोल रहा है कि सर ही पहल कर रहे हैं मुख्यमंत्री से वार्ता करने के लिए, तो थोड़ा फीडबैक लीजिए, तो हम वही जानने के लिए किए हैं। तो खाना हो जाए तो क्या दो तरह के सर बात आ रहा है, क्योंकि आपको बता दें, आप वहाँ पे बैठिएगा भी। बात है ना कि यहाँ बिहार में दो तरह के नियोजित शिक्षक हैं, एक टेट क्वालिफाई और दूसरा जो आपको 2003-05 में जो मुखिया जी के लोग थे बहाल, जो मुखिया जी किए थे अपने प्रोसेस से। तो बात यहाँ आ रही है कि वरीयता के आधार पे 9300। अभी देखा हमको, आप बता दो, अभी कुछ ना होता, जी, अभी सिर्फ हड़ताल के पैसा मिलता हुआ, कार्रवाई से मुक्त होता, लॉकडाउन खत्म होता, तब ये सब होता। अच्छा, तो इसका बात आप ही को रखना होगा, क्योंकि टेट शिक्षक हम लोग हाँ, दो लाख हैं। हमारे दिमाग में है ना। जी हम लोग 2 लाख शिक्षक टेट हैं सर, और 1 लाख की अभी जो बहाली होने वाली है, सब प्रोसेस हो गया है लॉकडाउन के कारण, जो बंद हुआ बाधित हुआ, 3 लाख हो जाएंगे। और आने वाले दिन में जो भी शिक्षक बनेंगे वो टेट शिक्षक ही बनेंगे, टेट क्वालिफाई ही बनेंगे। तो हम लोग क्राइटेरिया को फुलफिल करके आए हैं, तो हम लोग के साथ मने छलाव नहीं हो, हम लोग सबका वेतन बढ़ता हुआ लॉकडाउन के बाद। जी, और ठीक है बा, सब ठीक है। हम लोग लगे हुए हैं चुनाव के, आपका तो हम लोग सब यहाँ आ गया, सब हम लोग अब लगे हुए हैं, हम लोग अब इंतजारे में थे। जी तो बात कर ली हम। जी जरूर, नंबर वा पे गोहली कर ले, 94 वाला ना उठेली सूटर उतर होंगे लॉकडाउन में, सूट नहीं के तो काम ज्यादा ना हो गई है। जी। तो महामाया बाबू से बात कर, हमारी बात करा देंगे। ठीक अच्छा, ठीक, और सब ठीक है निर्वा, तबीयत हुआ ठीक है, ठीक ठीक है, है, प्रणाम। ठीक है, प्रणाम।